पूरे देश में जहाँ पे काफ़ी राज्यों में कैश की किल्लत से लोग परेशान हैं, कोलकाता में हालत कुछ अलग है। हम लोग इस वक्त कोलकाता के मध्य कोलकाता के दो एटीएम के सामने खड़े हैं। आपको दिखा दी, ये है आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम और वहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एटीएम। एक पेट्रोल पंप के नीचे ये दो एटीएम हैं और दोनों ही एटीएम इस वक्त नॉर्मली फंक्शन कर रही है और पैसा यहाँ से निकल रहा है। और आपको आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी तरह का यहाँ पे लाइन, लोगों का भीड़ इस वक्त नहीं दिख रहा है। जिस तरह का पैनिक दूसरे राज्यों में दिख रहा था, वैसा सिचुएशन कोलकाता में नहीं है। फिर भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सीधा निशाना साधा है मोदी सरकार पर कैश की किल्लत के वजह से। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई थी, अभी भी नोटबंदी का असर लोगों को झेलना पड़ रहा है। और एक तरह से उन्होंने कहा है कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी इस देश में चल रहा है। हालांकि कोलकाता में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कुछ ज़िलों से ऐसी खबर आ रही है कि कुछ एटीएम्स काम नहीं कर रही है, पैसा नहीं आ रहा है। ज़्यादातर जो समस्या है वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़, जो गाँव के तरफ और सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ से मिल रही है। लेकिन जब हम लोग कोलकाता शहर की बात करें, राजधानी कोलकाता की बात करें, यहाँ पे इस वक्त कैश की कोई कमी नहीं दिख रही है।